नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र यादव और आज मैं आया हूं विजिट करने एक नींबू के बगीचे में। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कैसे इन भाइयों ने लगाया हुआ है और कितनी दूरी पर लगाए हुए हैं और कितनी एज के ये पौधे हो गए, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बगीचा लगा हुआ है नींबू का मोहनपुर गांव में और जो पौधे की दूरी है वो तो है 20x20 और लाइन से लाइन की दूरी भी 20x20 है। ये बगीचा लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है और ये जो नींबू है इसमें जो फल अभी आया हुआ नहीं है, तो शायद इसमें जो फल है वो आता है गर्मियों के अंदर में। दोस्त, कितने अच्छे पौधे हैं, एकदम बढ़िया। इनकी कटिंग वटिंग कर दी गई है, नीचे से देखो इनको छांट दिया गया एकदम। साथ में इसमें सरसों भी बो रखी है। अभी ये पौधे छोटे हैं, 5-7 साल तक ये रहेंगे, तब तक इनमें सरसों आराम से हो जाएगी। यहाँ पे सरसों कितनी अच्छी हो रखी है इसमें, और साथ में नींबू भी हो रहे हैं। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो इनमें नींबू का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद में अगर सरसों नहीं भी होगी तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। नींबू का साइज़ क्या है, 1-2 फल इसमें लगे हुए थे, वो साइज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डॉक्टर लाना भाई, एक नींबू तोड़ के लाना। ये देखिए साइज नींबू का कितना बढ़िया साइज है, कितना मोटा। अब जैसे मैंने पकड़ रखा है मुट्ठी में, देखो इससे अंदाजा आप लगाइए कि इसका साइज क्या हो सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा फल लगे हुए नहीं है, कोई कोई लगे हुए हैं। ये शायद गर्मियों में जो लगे हुए थे वो इसमें रह गए हैं तोड़ने के टाइम में। यहाँ पे ये फल लगा हुआ है, देखो अभी इसमें। लेकिन इनके पास में एक दूसरी किस्म और लगी हुई है, जो कि पौधे तो छोटे हैं लेकिन उनमें नींबू बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और वो अभी सर्दी के टाइम में लगे हुए हैं। दोस्तों, अभी महीना चल रहा है दिसंबर का और दिसंबर के महीने में ये इसमें नींबू लगे हुए हैं, तो इस टाइम में थोड़ी इसमें भाई वो वाली बात है कि इस टाइम में इतना ज़्यादा इसमें भाव नहीं मिलता है किसान को। तो ये देखो इसमें नींबू कैसे लगे हुए हैं, ये अलग वैरायटी है और इसी बाग में ये अलग वैरायटी है। इनका पेड़ का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है एकदम, पेड़ कैसे बढ़ रहा है इनमें, देखो पेड़ कैसे बढ़ रहा है। ये बिल्कुल एकदम ज़मीन में फैले हुए हैं सारे के सारे पेड़, एकदम बोझे की तरह हैं। देखिए नींबू कैसे लगे हुए हैं इसमें, और कितने बढ़िया नींबू लगे हैं। अगर गर्मियों में ये नींबू लग जाएँ तो बहुत अच्छा रेट किसान भाई को मिल सकता है। अब इस किस्म की, यही मान लो कि इस किस्म की बैड लक यही है कि ये सर्दियों में लगती है। कितना अच्छा नींबू लगा हुआ है एकदम। दोनों टाइप के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। ये इनके पास में एक मौसमी का पौधा लगा हुआ है। दोस्तों, ये देखो छोटा सा एकदम पौधा है, नींबू इस पे देखिए कितने लगे हैं। साथ में इसमें खेती हो रखी है, सरसों की बो रखी है, देखो कितनी अच्छी सरसों है इसमें। बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है, ये इसमें सरसों देखो, जहाँ पे पौधे मर गए वहाँ पे पौधे इन्होंने दोबारा लगा दिए हैं। खूब ही बढ़िया यहाँ पे बगीचा लगा रखा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।